चलें फिर आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो एक ऑप्शन आ रहा है कि ये आपने जैसे जो प्रेजेंटेशन बनाई है उस प्रेजेंटेशन में अब एक प्रॉब्लम ये हुआ कि आपने जो है इसमें काफ़ी सारे से जो है टेक्स्ट ऐड कर दिया है, ठीक है ना। अब ये टेक्स्ट ऐड हुआ इसके अंदर, इसमें एक इशू ये है कि जब प्रेजेंटेशन हम बना रहे होते हैं तो उस प्रेजेंटेशन में इतना टेक्स्ट हमें नहीं लिखना होता, ये तो जस्ट लाइक एक पैराग्राफ हो गया। चलें अब हम इसको सीखते हैं कि अगर मतलब मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ गया है तो अब मैं क्या करूं, ठीक है। तो हम हेल्प लेंगे एआई का, ठीक है। हम एआई को यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ से अपने ब्राउज़र पे चला जाता हूँ और यहाँ पर क्लिक करके मैं जो अपना एक दूसरा मैंने ब्राउज़र खोला हुआ था इसको मैं बंद करता हूँ, एक मिनट इसको मिनिमाइज करता हूँ। यहाँ पे मैं गूगल क्रोम पे जाता हूँ, यहाँ से मैं अपनी एक दूसरी प्रोफाइल को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये तो यहाँ पर ओके, बेस्ट प्रोफाइल का थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ उठा के, और यहाँ से इसको थोड़ा से कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जा रहा हूँ गूगल डॉट कॉम पर, और गूगल डॉट कॉम पर जाके मैं जो भी एआई से हेल्प लेना चाहता हूँ तो पहले मैं चैट जीपीटी को ट्राई करता हूँ, चैट जीपीटी, और उसको मैं यहाँ से लॉगिन कराता हूँ। जैसे ही मैं चैट जीपीटी को लॉगिन करूँगा तो यहाँ पर ये चैट जीपीटी खुल जाएगा। साथ साथ मैं इसको ले लेता हूँ गूगल जेमिनाई के साथ भी हेल्प लेते हैं हम कि वो हमें क्या हेल्प करता है। जेमिनाई, गूगल जेमिनाई, और यहाँ से इसको भी लॉगिन करा लेते हैं। तो यहाँ से हमारा गूगल जेमिनाई भी लॉगिन हो गया और यहाँ पे हमारा चैट जीपीटी भी लॉगिन हो रहा है, ठीक है। इसमें हो सकता है कुछ टाइम लेगा ये। तो ये हमारे सामने इसका प्रॉम्प्ट खुल गया है और अब यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट पे कुछ बताएंगे। सो अभी हम क्या कह रहे थे कि ये जो टेक्स्ट मैं प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ और मुझे इसको कंसाइज करना नहीं आ रहा, तो मैंने इसको लिया यहाँ से कॉपी, और यहाँ से मैं गया हूँ दोबारा इसके ऊपर, आई थिंक सो ये वाला ब्राउजर जो खुला हुआ था, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया है, ठीक है। और मैंने इसको यहाँ पे डबल कोट्स लगाए हैं और अब इससे मैं काम लेता हूँ, ठीक है। नीचे आ गया। ओके, मैं इसको क्या कहना चाह रहा हूँ, पहले हमें डिसाइड करना है कि हमें करना क्या है। मैं इसको चाह रहा हूँ कि तुम इसको कंसाइज कर दो 50 वर्ड्स के अंदर, ठीक है। आई थिंक अभी कितने वर्ड्स हैं, अभी तो काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। तो मैं इसको कह रहा हूँ प्लीज कंसाइज कंसाइज मेंशन अबव पैराग्राफ, ठीक है, फॉर माई प्रेजेंटेशन स्लाइड इन इजी 50 वर्ड्स, ठीक है। और मैं इसको कह रहा हूँ एंटर। तो अब देखें चैट जीपीटी इस पे काम करना शुरू करेगा। तो इसने देखें उसको कंसाइज करके 50 वर्ड्स में कर दिया। अच्छा, अब मैं इसको कह रहा हूं मेक इट क्रिएट 3 more results, और मैंने कहा कि मुझे ऐसे 3 रिजल्ट्स और दो, ठीक है। देखिए कितने जबरदस्त तरीके से यहां मैं हेल्प आउट कर रहा है। अब मैं इसको ये कहता हूं समराइज दीज 3 last ऑप्शंस इन टू वन, नहीं मालूम ठीक है। तो देखें इसने इन तीनों को समराइज करके और ये मुझे बना के दे दिया। टेक एडवांसमेंट इनहांस कंप्यूटर यूटिलिटी स्ट्रीमिंग टास्क एंड एक्सपेंडिंग कैपेबिलिटी ग्लोबली, ठीक है। तो अब इनका टॉपिक क्या था, अगर प्रेजेंटेशन पे हम इनका टॉपिक देखें, व्हाई कंप्यूटर्स आर यूजफुल टुडे,
इन्होंने कितना सारा लिखा है इसके बारे में। फिर हमने क्या किया कि उसको समराइज कराया 3 पैराग्राफ्स के अंदर, टेक एडवांसमेंट हैज कंपेयर्ड यू फास्टर एक्सेस द स्ट्रीमलाइन कम्युनिकेशंस रीच एंटरटेनमेंट बिजनेस ऑप्स इंटरनेट फ्रॉड कैपेबिलिटीज टेक प्रोग्रेस बूट्स, और फिर इन तीनों को समराइज करके उसने हमें एक लाइन में इसको बता दी। ठीक है, अब वेदर हमें कौन सा सही लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल इसको हम ये वाला ले लेते हैं और इसको कॉपी करते हैं और इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, सिलेक्ट ऑल करते हैं, और चूंकि ये हमारा मेन है तो इसको हम बढ़ा के 36 पर रख के हम इसको यहाँ पे जस्टिफाई करते हैं, चलो जस्टिफाई नहीं भी करते, लेफ्ट कर ले, थोड़ा सा इसका जो टेक्स्ट बॉक्स है थोड़ा एडजस्ट करते हैं ताकि इसके अंदर थोड़ा बेहतर तरीके से नजर आ सके। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आपने काम करना है, समझ में आ रही बात ये, मतलब प्रेजेंटेशन वर्ड के डॉक्यूमेंट से अलग है। हमें ये नहीं करना कि वर्ड का डॉक्यूमेंट जो है पावर पॉइंट की स्लाइड्स के अंदर ऐड कर देना है, बल्कि हमें ये करना है कि उसका जो क्रिस्प पॉइंट है वो स्लाइड में डालना है, बाकी तो आप एक्सप्लेन करेंगे ना। बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे आपने कहा एडवांस इन टेक इनहांस कंप्यूटर एफिशिएंसी स्पीड एक्सेसिबिलिटी, अब जब आप एक्सप्लेन करने खड़े होंगे तो आपके पास एक्सप्लेन करने के लिए एक एक टॉपिक है। फॉर एग्जाम्पल पहले आप टेक को एक्सप्लेन करेंगे, फिर कंप्यूटर को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसकी एफिशिएंसी को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसकी स्पीड को एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप एक्सेसिबिलिटी को एक्सप्लेन करेंगे, वो यहाँ पर टेक्स्ट में एक्सप्लेन नहीं करना, बात समझ रहे हैं, वो जो है वो आपने यहाँ पे सिर्फ टॉपिक लिखना है, हाँ वो आपने एलेबोरेट करना है, लोगों को बताने है इस तरीके से। ठीक है ना, तो इससे ये जो कॉमन मिस्टेक थी, तो इस तरह प्रेजेंटेशन जैसे मैंने आपको टास्क दिया ऐसे ही आपका प्रेजेंटेशन इंप्रूव होता चला जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे रिसर्च एंटरटेनमेंट बिजनेस इंटरनेट ब्रॉड हॉरिजन कनेक्टिंग ग्लोबली, अब ये जो आपने एक पैराग्राफ इसके ऊपर लिखा है ना, इस पैराग्राफ को आपने खड़े होकर एक्सप्लेन करना है कि कैसे कंप्यूटर व्हाई कंप्यूटर्स आर यूजफुल टुडे, ये है आपका टॉपिक, और इस टॉपिक पे आपने ये सारी बात लिख दी कि इस तरह यूजफुल है। अब इन सारे बातों को एक साथ कनेक्ट करके इंटरकनेक्ट करके आपने एक्सप्लेन करना है लोगों के आगे, इसे कहते हैं प्रेजेंटेशन। बाकी ये इस तरह का काम जो है ये तो फिर होमवर्क हो गया, ये तो आपने फिर इसका सवाल लिख दिया। अच्छा अब इसको क्या कर सकते हैं, अब इसका एक और ट्रिक समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये आपको ये वो पैराग्राफ है जो आप एक लेसन के तौर पे समझा रहे हैं। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे क्लास हो रही थी और क्लास के बुक में ये पैराग्राफ लिखा हुआ था, अब आप प्रेजेंटेशन पे वही लिख के लिए आए तो ये तो थोड़ा अजीब लग रहा है, बच्चे कह रहे हैं वही प्रेजेंटेशन पे लिख दिया। आप क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले वाला डिलीट कर दिया, डिलीट नहीं करना, वो पैराग्राफ कॉपी किया, ये नोट सेक्शन देख रहे हैं, मैंने आपको कल बताया था कि व्यू में जाके यहाँ से नोट्स पेज एरिया आ रहा होता है, ये यहाँ पे लिख देंगे आप। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पर देखिए, एक मिनट मैं जरा इसको थोड़ा छोटा करूं, और यहां से हम चले गए व्यू में, तो ये डॉट्स एक्टिवेट होता है यहां से। ठीक है, ये मैंने वहां लिख लिया, अब आप इस पे देखें कि भाई पता नहीं इसमें क्या मेन पॉइंट है इसके अंदर से जो हमें डिफाइन करना है। ओके, तो हम चलते हैं दोबारा से चैट जीपीटी के पास। अब कहते हैं एक्सट्रैक्ट की पॉइंट्स, ठीक है, फ्रॉम mentioned above paragraph for my presentation. अब यहां पर एक चीज और बताता हूं, फिर वेरिएशन लाएंगे हम उसके अंदर। एंटर किया हमने यहां पे, सही है ना, अब उसने की पॉइंट्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब की पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया तो अब आप जब एक्सप्लेन करेंगे इस चीज को, अब यहां से हम लेके जाते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में और यहां पर क्लिक करते हैं, यहां पेस्ट कर देते हैं, एक मिनट पेस्ट करने में थोड़ी दुश्वारी हो रही है। ओके, आ गया इसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर हमने एंड कॉपी नहीं हुआ क्या, कॉपी नहीं हो सका सर, मैं सिंपल कॉपी, कंट्रोल सी,
सही है, लेकिन वो बिल्कुल वैसे नहीं आ रहा, तो हमें थोड़ा सा उसको सेट करना पड़ेगा। एक ये वाला नहीं आ रहा उसके अंदर। चलें इसको वैसे भी लेके अगर फिर करेंगे तो पॉइंट्स के साथ तो ये आ गया, लेकिन इसको थोड़ा फिर कंट्रोल ए करके वो इसको किस तरह से, अच्छा फिर उसके बॉक्स को डिलीट करें, फिर इस वाले बॉक्स को डील कर लेते हैं, ठीक है। और लेकिन ये फिर रैप नहीं हो रहा ना टेक्स्ट, 32 पे इसको करते हैं। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा देखिए, एआई आपको हेल्प कर रहा है लेकिन आपको भी काम करना आना चाहिए। अगर आपको काम करना नहीं आएगा तो फिर वो रिजल्ट्स बन नहीं सकेंगे एंड रिजल्ट्स। तो इसको 36 पर रख लेते हैं, ठीक है। ओके, एक इंटर और ले लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे स्पेस कर लेते हैं, इसको बैक स्पेस कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे भी एक बैक स्पेस आएगा क्योंकि मेन पॉइंट्स नहीं है, ये भी बैक स्पेस आएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको सेलेक्ट करके लाइन स्पेसिंग को यहां से मेंटेन कर लेना है, ठीक है। तो यहां पर क्या लिखा, एक्यूरेसी आउट परफॉर्मिंग, ठीक। एक मिनट उसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ था, आउट परफॉर्मिंग ये वर्ड लिखा हुआ है। तो यहां पर ये जो आपका पूरा पैराग्राफ था इसको इसने की पॉइंट्स में डिवाइड करके आपको दे दिया। अब आपको एक्सप्लेन करने में आसानी है, ठीक है, और थोड़ा सा लेक्चर में ट्विस्ट भी आ गया। बच्चों को आप ये बता सकते हैं या ऑडियंस को ये बता सकते हैं कि भाई हमारा जो इस पैराग्राफ के की पॉइंट है ना वो ये है, उसको वो आप डिस्कस करें, उनको समझाएं एक एक पॉइंट को कि भाई कंप्यूटर एक्सेल इन स्पीड एंड एक्यूरेसी। एक्सेल मैंने अच्छा करता है, स्पीड और एक्यूरेसी इसमें दोनों में फास्ट है और बेहतर काम करता है। आउट परफॉर्मिंग ह्यूमन इन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड टास्क, इंक्रीज एफिशिएंसी इनेबल्स मोर प्रोडक्टिविटी। और इंसान की निस्बत बहुत ज्यादा पेचीदा टास्क जो होते हैं, कैलकुलेशंस होते हैं, उनको तेजी से कर लेता है जिससे काम में तेजी आ जाती है और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। फिर अक्रॉस वैल्यूज फील्ड्स, मुख्तलिफ वेरियस फील्ड्स, मतलब मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर आप इसे उनको अलग अलग पॉइंट्स के अंदर समझा सकते हैं, तो उनसे उनको समझने में आसानी रहेगी। अच्छा अब ये तो इसने निकाला इस तरह से, अब इसको निकालते हैं हम इसमें से। हाँ, मेक दीज की पॉइंट्स इन अंडर, अच्छा की पॉइंट फॉर अंडर मिडल ग्रुप स्टूडेंट, मेक दीज पॉइंट की पॉइंट फॉर अंडर मिडल ग्रुप स्टूडेंट। रीजनरेट, ओके। अब क्या हुआ, क्या हुआ, क्या देख रहे, ये जो रिजल्ट था ये मशीन रिजल्ट था, मतलब जैसे किताबों में लिखा हुआ होता है, बुकिश लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं ना। अब हमने इसको क्या कहा कि इन्हीं की पॉइंट्स को ऐसे एक्सप्लेन करो कि ये मिडिल के स्टूडेंट्स इजीली रीड कर सकें। बात समझ में आ रही है? तो अपने इसने इंग्लिश के स्टैंडर्ड को थोड़ा सा लाइट वेट कर दिया। अब देखिए आपको पढ़ने में कितना आसान लगेगा, कंप्यूटर आर सुपर फास्ट एंड सुपर एक्यूरेट, वे बेटर देन अस एट डूइंग ट्रिकी मैथ टास्क। ये लिया है आपकी 5-6 क्लास की बुक के अंदर, समझ रहे हैं बात को, कितना जबरदस्त तरीके से आपको एआई हेल्प कर सकता है, ठीक है ना। अच्छा अब इसको हम करते हैं थोड़ा सा और ट्रिकी। अब और कैसे करें, मेक दिस की पॉइंट्स लाइक ह्यूमन राइटिंग विद ग्रामर।
अब ये ह्यूमन वे में लिया है इसको, कि मतलब अगर इंसान कोई लिखेगा इसको तो वो किस तरह से लिखेगा इसको। तो आप एक ही रिजल्ट को कितने तरीके से इसमें घुमा सकते हैं, ये आप जितना इसके साथ काम करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, उस तरह से कर देगा। ऐसा नहीं है कि जैसे आजकल हम कहते हैं कि भाई जैसे AI हमें ऐसे हेल्प कर रहा है कि नहीं हम उससे जो चीज़ चाहे बनवा लेंगे, तो फिर तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। नहीं, इसको समझें कि आप इससे क्या काम ले सकते हैं। ठीक है, चले हम जाते हैं इसके ऊपर हम। और बंद कर दूं क्या मैं, जब वो है ही नहीं तो इसके ऊपर। अच्छा चले अब आगे चलते हैं। अच्छा ठीक है, अब आपने आगे ये बनाया हुआ है। अच्छा आपने इसके अंदर फिर हेडिंग्स दोबारा नहीं बनाई, बस डायरेक्टली शुरू कर दिया। तो टॉपिक्स में हमें ये बताना है ना, ये हमारे टॉपिक बनेंगे ना आगे जाके, भाई एफिशिएंसी क्या है। अब एफिशिएंसी का एक टॉपिक बनेगा, फिर स्पीड, एक्सेसिबिलिटी, ऑप्टिमाइज कम्युनिकेशन, रिसर्च, इंटरटेनमेंट, बिजनेस, इंटरनेट ब्रॉडबैंड लिखा है आई थिंक सो, हॉरिजॉन्स और कनेक्टिंग ग्लोबली, ये सारे तो हमारे सब टॉपिक होंगे। फिर तो जाके हमारा प्रेजेंटेशन बनेगा। ये तो फिर आपने समझे ऐसे लिख दिया, ये आपने क्या किया, व्हाई कंप्यूटर्स आर यूजफुल टुडे, आपने एक ऐसे लिया, ऐसे को स्लाइड्स के अंदर डाल दिया। प्रेजेंटेशन ऐसे नहीं बनेगी। जो आपकी प्रेजेंटेशन है, जिसको आपने पहली स्लाइड पर डिस्कस किया है, वो हर एक टॉपिक क्रिएट होगा। उस एक एक चीज को अलग अलग स्लाइड्स पर आप एक्सप्लेन करेंगे, उनके लिए 2 स्लाइड्स यूज करेंगे, 3 स्लाइड्स यूज करेंगे, उनकी एग्जांपल्स यूज करेंगे, फिर जाके वो एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन बनेगी। ठीक है ना। अच्छा अब मिसाल के तौर पर ये जो है, इसमें से मैंने कॉपी किया और मैं इसको जाके कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं मैं इसको, अब मैंने आपको कहा कि हर टॉपिक की बनेगी, तो अब मुझे समझ में नहीं आ रही। अब मैं ऐसे कह रहा हूं, प्लीज क्रिएट क्रिएट मैक्सिमम स्लाइड फॉर ईच टॉपिक विद सूटेबल एग्जाम्पल इन ईजी इंग्लिश words from mentioned above topic mentioned above paragraph for my presentation। अब देखिए क्या कमाल करेगा आपके लिए। एग्जैक्टली हम सारे जो फेल हैं, देखिए AI को यूज करना क्या है भाई, मिसाल के तौर पर पंखा चलाना की सीखने की क्या जरूरत है, पंखे को बटन खोलेंगे चलेगा वो, लेकिन AI ऐसा नहीं है ना। हमने ये कहा कि भाई ऐसा करो कि हमें ऐसे बना के दे दो, उसने बना के दे दिया, क्या काम खत्म हो गया? ये काम तो गूगल से भी ले रहे थे। नहीं, अब इसने की पॉइंट्स बना के दिए ना, अब हम इसको कहेंगे सजेस्ट images for each slide should be images, अब आगे मैं बता रहा हूं, images should be in very ethical way। ठीक है, ये उसी को कंटिन्यू करेगा, समझा रहा है आपको। स्लाइड 1, इनहांस कंप्यूटर एफिशिएंसी, इसके लिए इमेज आपने कैसा लेना है, अ मॉडर्न लैपटॉप और डेस्कटॉप कंप्यूटर विद अ स्टॉपवॉच और स्पीडोमीटर आइकन टू रिप्रेजेंट स्पीड एंड एफिशिएंसी, ऐसा इमेज आपने क्रिएट करना है या इंटरनेट पर सर्च करना है या फिर आपने लेना है। स्लाइड 2 के लिए बता रहा है, कह रहा है अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल यूजिंग लैपटॉप्स और स्मार्टफोन्स टू कम्युनिकेट विथ ईच बबल्स और ईमेल्स आइकन्स अबव देयर हेड्स, ऐसा एक इमेज लेना है आपने। लॉग इन कर लेते हैं।
अच्छा, बड़े काम पे लगा दिया इसने वो। चलो हम इसको बंद कर देते हैं। नहीं, उसको म्यूट कर दिया मैंने। आवाज़ इसलिए सुन रहा था कि आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, बाकी रिकॉर्डिंग में उसको म्यूट कर रखा था मैंने आज, तो डबलिंग नहीं हुई आवाज़ में। ठीक है, हाँ तो हम कहाँ पहुँचे थे, ये इसको सेट कर लेता हूँ। हम यहाँ पहुँचे थे कि हमने इसको लॉगिन कर लिया था, ट्राई इट। तो उसने हमें इमेजेस भी सजेस्ट कर दिए। अरे वो हट गया हमारा सारा टॉपिक उसके ऊपर से, ये थोड़ा सा मन हो गया। तो मकसद आपको समझ में आया कि किस तरह से आप पहले एक टॉपिक निकालेंगे, उस टॉपिक को कंसाइज करेंगे, उसको की पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे, उसको स्लाइड्स में डिवाइड करेंगे, फिर उसके की पॉइंट्स बनाएंगे, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन निकालेंगे, प्लस किस तरह से आपने इंग्लिश लैंग्वेज का ख्याल करना है। लैंग्वेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मिसाल के तौर पे हमारे लिए एक प्रेजेंटेशन बनाई हमने, कहा कशिश को, और मुझे पता है कशिश की पर्सनल इंग्लिश इतनी अच्छी है ही नहीं, ये टॉपिक बना के लिए ही कॉपी पेस्ट करके ना चैट जीपीटी से बनवा दिया, मैं वहीं पकड़ लूंगा आपने ये वर्ड्स कैसे यूज किए, कहाँ पे आपने इसका यूटिलाइज किया, इस वर्ड की मीनिंग क्या है। फिर उसको लेकर आना है ईजी वर्ड्स के अंदर, मतलब भाई मेरा इंग्लिश लेवल क्या है। अभी मैं आपको चल के एक और दो आगे चल के ऐसे टूल्स बताऊंगा जो आपके इंग्लिश लेवल को बताएंगे आपका क्या है, कौन से वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। फिर उसको उसमें लेकर आना है, मिडिल में लेकर आना है, इंटरमीडिएट पे लेकर आना है, प्राइमरी सेक्शंस पे लेकर आना है, तो उन वर्ड्स में उसको कन्वर्ट करना है, फिर उसको ला के ऑर्गेनाइज करना है अपनी प्रेजेंटेशन को। ऐसे नहीं कॉपी करके जल्दी से स्लाइड ली पेस्ट पेस्ट करके भेज दिया। ठीक है ना, ये जैसे तुमने प्रेजेंटेशन बना ली, हाँ चैट जीपीटी जेमिनी से ले लो, चैट जीपीटी नहीं चलता, ये भी काम करेगा, जेमिनी काम करेगा। तो मकसद कहने का ये है कि जितना उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, चीजों को कंट्रोल करें, उसको सीखें, और फिर उसके रिजल्ट को ऐसा फाइनल बना के दें कि फिर वो, हाँ यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है ना, और इसमें आपकी भी, हाँ ये देखे ना जो मैंने टॉपिक दिया ना इसलिए तो दिया। यही फाइल्स का दोबारा इन्हीं फाइल्स को अपडेट कीजिएगा। अच्छा फिर इन फाइल को डिलीट नहीं कीजिएगा, ये आप रखिएगा हमारी क्लास वन की, हमने जो टॉपिक बनाया था, अब जो अब बनाएंगे उसको दोनों का कंपैरिजन लीजिएगा, ताकि आपको पता चले ना कैसे इंप्रूवमेंट आ रही है और एआई आपको कैसे हेल्प आउट कर रहा है। ये चीज हमारा मकसद है सीखने का, समझ रहे हैं। तो पावर पॉइंट इटसेल्फ हमें टेक्निकली अच्छे तरीके से आना चाहिए, कलर स्कीम्स वगैरह पे हमें काम आना चाहिए, लेकिन एआई का जो उसमें इनपुट है वो हमें ऐसे रखना है अपने साथ लाइफ के अंदर। ठीक है ना, तो ये तो हो गया हमारा एआई का। अच्छा,